नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब में। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं जीमेल जो सेंड करना है, जीमेल पंचायत सचिव के एग्जाम में जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट करने के बाद जो आप बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, चाहे वो पीडीएफ हो, एमएस पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, उन सारे फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को आपको जीमेल करना है जेएसएससी की वेबसाइट पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि आपको जो अपना खुद का ईमेल जो आप फॉर्म फिल करते समय आपने दिया है, उस ईमेल को यूज करना है। ठीक है, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से मे बी जेएसएससी अगर आपको छूट दे दे आगे के समय में कि कोई और अपना ईमेल यूज कर सके, तो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अपने ईमेल से आपको जेएसएससी की दी गई ईमेल पे आपको भेजना हो, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा किस ईमेल पे भेजना है, तो पहली बात है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है कि दोस्तों ये आप जो भी आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल को अभी ही आप उसको रिकवर कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। अगर आप भूल चुके हैं तो उसको रीसेट कर लीजिए पासवर्ड को। पासवर्ड रीसेट करने के बाद अभी से उसको एक डायरी में लिख लीजिए, कोई अच्छे से डायरी में जिसको आप रेगुलरली चेक करते हैं, वहां पे जीमेल और पासवर्ड दोनों लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको लगातार यूज कीजिए, जिससे कि आप वो मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए आपको। ऐसा ना हो कि एग्जाम सेंटर में जाएं और आप अपना दिमाग में आपका ईमेल और आपका पासवर्ड ही ना आए। पासवर्ड जैसे ही नहीं आएगा तो आप फॉरगेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वहां फोन भी नहीं होगा, फोन नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगा, फॉरगेट नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजों को, इन सारे परेशानियों, कठिनाइयों को अवॉइड कीजिए। अभी से आप जीमेल अगर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अपना, तो आपको हो सकता है कि उस समय तक अच्छे से याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना होगी। ठीक है, तो पहला चीज वो कर लीजिए। दूसरी चीज है कि अगर आप गलत पासवर्ड दिए हैं, कुछ भी है वैसा है, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, रिकवर कीजिए, जेएसएससी से बात कीजिए, जो करना है कर लीजिए। फिलहाल के लिए अभी आपके पास काफी समय है, हो सकता है जेएसएससी आपके लिए कुछ करे। ठीक है, चलिए इन सब बातों को समाप्त करते हुए डायरेक्टली हम चलते हैं कैसे ईमेल करना है। तो ईमेल करने के लिए सबसे पहला पहला चीज है क्या, एक ब्राउजर खोलना होगा। ब्राउजर खोलने के बाद आप यहाँ पे ब्राउजर में आप जीमेल टाइप करेंगे। जीमेल टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन इन, साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, अभी तो मेरा क्योंकि ऐड किया हुआ है, यहाँ पे सारे ईमेल ऐड किए हुए हैं, इसलिए डायरेक्टली पूछ रहा है कौन सा ईमेल यूज करना चाहते हैं। अगर कोई और यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट कर सकते हैं, या फिर अगर ये कोई भी नहीं रहेगा तो डायरेक्टली ये हमें मांगेगा ईमेल। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली लर्निंग हब। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड को टाइप करना है। पासवर्ड टाइप हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये इस तरह अगर ओपन होता है, चिंता की बात नहीं है, आप सोच रहे हैं कहाँ चला गया है जीमेल मेरा, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बॉक्स में और यहाँ जीमेल पे जाएंगे। ठीक है, जीमेल पे जाएंगे, जैसे ही आपका जीमेल का इनबॉक्स खुल जाएगा, ये आपका इनबॉक्स का जीमेल है। ठीक है, इसको मैग्नीफायर से मैं थोड़ा दिखा दूं आपको, मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूं। एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हाँ, ये है, देखिए इनबॉक्स है, यहाँ पे कंपोज है। अभी जैसे हमने क्या किया, जैसे ही जीमेल में लॉगिन किया तो ये इस तरह का आ गया। यहाँ पे आपको ईमेल करने के लिए आप यहाँ जाएंगे कंपोज में, कंपोज में क्लिक करेंगे, इस तरह ओपन होगा। देखिए ये, इसको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये न्यू मैसेज इस तरह आएगा। फ्रॉम में आपको अपना, आपका अपना ईमेल वहां पे रहे ना रहे वो कोई चिंता की बात नहीं है, वो इसी से जाएगा। ये मेरा ऑटोमेटिक सेटिंग किया हुआ फ्रॉम में यहाँ पे आ गया। ठीक है, टू में आपको टाइप करना है जिसको भी भेजना है। तो सपोज दैट टू में मुझे भेजना है आईटी सेल डीएचएन, इसको भेजना है। ठीक है, दूसरा चीज होता है यहाँ पे, देखिए टू के टू तो हमने कर दिया, अगर वहां इंस्ट्रक्शन में दे कि सीसी में भी रखना है तो यहाँ पे सीसी में डालते हैं। देखिए सीसी में क्लिक करेंगे, सीसी आ जाएगा। एक होता है बीसीसी,
इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी आईटी सेल डीएचएन को जो भेज रहे हैं आप ईमेल, उसी की एक कार्बन कॉपी एक सीसी में डालिए किसी और मेल को। तो मैं यहाँ भी रख देता हूँ आईटी सेल डीएचएन को, आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वहां पे आप उसकी ईमेल को डाल सकते हैं। अगेन बीसीसी है यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी में भी और किसी को रखने को कहा गया तो वहां भी रख सकते हैं आप। तो ये इस तरह होता है। मल्टीपल देना है तो फिर से यहाँ पे एक और डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप ईमेल डाल सकते हैं यहाँ भी आप डाल सकते हैं, जो भी ईमेल आपको डालना है डाल सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर दूसरा डालना हो यहाँ पे तो दूसरा भी टाइप करके मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको टाइप करने के बाद कॉमा दबाएंगे, अपने आप ये बन जाएगा इस तरह। तो ये मल्टीपल है, ईमेल टू में डाल सकते हैं, सीसी में, बीसीसी में। सपोज दैट आपको अगर ये हटाना है, कोई गलत डाल दिया आपने, तो यहाँ पे जाएंगे इसको हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको हटा सकते हैं। तो ये इस तरह हटाने की भी प्रक्रिया में बता देता हूँ, सीसी और बीसीसी है। अगेन आप चलते हैं हम लोग, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि किस तरह हम टू टू में भी लिखते हैं, टू में और बीसीसी सीसी में कैसे लिखते हैं। तो अब चलते हैं आगे, कुछ देखते हैं उसमें क्या है। ये हमने टू में जिसे ईमेल करना है उसने उसका ईमेल लिखा, सीसी में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बता चुका हूं मैं सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक्चुअली ये इसका यूज जो रियल लाइफ में यूज किया है मैं बता देता हूं, कंपनीज में क्या होता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, टू में जिसको एड्रेस किया जाता है, मान लीजिए कंपनी के बॉस को, कंपनी के एचआर को एक ईमेल हम कर रहे हैं, तो यहाँ hr@abc.com लिख दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि उस कंपनी के एचआर के उसके ऊपर के हेड को भी कुछ उसको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैंने एचआर को एक कॉपी भेजा, एक ईमेल भेजा है। तो एक मतलब हायर अथॉरिटी को एक कॉग्निजेंस में लेने के लिए ये सीसी और बीसीसी का एक कॉन्सेप्ट है, सीसी में डाल दिया। अब बीसीसी में हो सकता है कि जिनके रिलेटेड कंसर्न है उनको भी एक कॉपी दे दिया जाए, तो इसीलिए सीसी और बीसीसी का कॉन्सेप्ट है। तो आप यू चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो ये सीसी बीसीसी टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में लिखना है जो भी, सब्जेक्ट में लिख देते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट में कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिख दिया हूं। अब इसके बाद ये जो पोर्शन बचता है, ये जो पोर्शन है टोटल, ये बोल्ड इसको बोलते हैं, सॉरी बॉडी इसको बोलते हैं। बॉडी में लिखना है मान लीजिए डियर प्लीज फाइंड अटैचमेंट, ठीक है, प्लीज फाइंड अटैचमेंट। अब ये सब्जेक्ट हो चुका है, बॉडी में हमने लिख दिया डियर डियर प्लीज फाइंड अटैचमेंट। अब अगेन हमें फाइल अटैच करनी होगी, फाइल अटैच करने के लिए कहाँ जाएंगे, देखिए ये सेंड है, उसके बगल में ए है, ए के बगल में अटैच फाइल है, इस अटैच फाइल में जाएंगे, जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह जो बॉक्स है यहाँ पे जाएंगे इस फाइल में, फाइल अटैचमेंट में, ये जो सिम्बॉल बना हुआ है अटैच फाइल, यहाँ पे फाइल अटैचमेंट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए इस तरह ओपन होगा ये, इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। इसमें इस साइड में आपको जहां पे लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं, जैसे जूम आउट करके दिखाता हूं, ये आप कहां पे आपने फाइल रखा है, एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है। तो जैसे ही अगर आप ये जो फाइल अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल अटैचमेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइल अटैचमेंट में जब जैसे ही क्लिक करेंगे अटैच करने के लिए, तो आपको ये इस तरह का आएगा, ये डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप में आपने जहाँ सेव किया, मान लीजिए आपने फोल्डर में सेव किया, तो फोल्डर को सर्च करेंगे, ठीक है, तो फोल्डर को सर्च करते हैं, मेरा यहाँ पे फोल्डर है, देखिए इस फोल्डर में मैंने रखा है फाइल को, इसको खोलेंगे, इसको खोलने के बाद देखिए तीन फाइल है मेरे पास, डॉक फाइल है, एक एक्सेल फाइल है और एक पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल तीनों है, तीनों को अटैच करते हैं, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट
तीनों एक ही बार में अटैच कीजिएगा, एक एक करके नहीं करना है, ठीक है, एक एक मत कीजिएगा, एक ही बार तीनों को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओपन कीजिए। अगर आपके पास सिर्फ एक ही फाइल है अटैच करना चाहते हो तो एक अटैच कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने बना लिया तीनों फाइल आपके पास है तो डायरेक्टली आप तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन में जाएंगे, ओपन जैसे ही करेंगे देखिए इस तरह आपको यह अटैच होता दिखेगा, अटैच हो गया, तीनों फाइल अटैच हो गया आपका। तो ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट सब्जेक्ट है हमारा, डियर प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और ये तीन फाइल अटैचमेंट है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि जो आपने बॉडी में लिखा है उसको आपको फॉर्मेट करना है, बोल्ड में करना है, मान लीजिए इसको कहा जाए प्लीज को आपको बोल्ड में करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको बोल्ड में क्लिक करेंगे। अगर इटैलिक करने को कहा जाए देखिए बोल्ड हो गया। अगर इसको कहा जाए इसका फॉन्ट टाइप चेंज कीजिए, तो फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए यहां से जाएंगे, फॉन्ट टाइप चेंज हो गया। अगेन इसका कलर चेंज करना हो तो यहां पे जाएंगे, इधर ये यू में जाएंगे, ये ए में जाएंगे, ए में जाने के बाद जो भी कलर कहा जाए उसको कर लीजिए। साइज बढ़ाना हो, लार्ज करना हो, इसको लार्ज कर सकते हैं, ह्यूज करना ह्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट टाइप मैं बता चुका हूँ, इटैलिक करना हो तो आई से इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ये सारे चीज यहाँ पे हैं, अवेलेबल है। आप यहाँ से फॉर्मेटिंग अपना अटैचमेंट जो भी अपने बॉडी में लिखा है उसका अटैच फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनली अगर आपको हटाना हो सारा तो यहाँ पे जाके रिमूव सेलेक्ट कीजिए इसमें से, और इसमें जाइए रिमूव कर दीजिए सारा, रिमूव हो गया, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रही। तो ये पूरा इस तरह है। अब उसके बाद फाइनली क्या करना है आपको, सेंड पे क्लिक करना है। इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपली आपने चेक कर लीजिए एक बार सब कुछ सही है, ये फाइल आपकी सही है, तीन फाइल है, तीन फाइल चेक कर लीजिए। अगर चाहे तो इसको आप ओपन भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओपन भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव या ओपन दो कहेगा, सेव कर सकते हैं या ओपन, तो ओपन कीजिएगा आप, ओपन कीजिएगा तो जैसे ही आपको फाइल ओपन हो जाएगी, फाइल ओपन हो रही है, ये फाइल ओपन हो गई। तो ये सही, सब कुछ सही है, आप चेक कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्लोज करने के बाद आप आ जाइए फाइल में और यहाँ पे ठीक से देख लीजिए। उसके बाद सेंड का बटन यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं एक सेकेंड मैग्नीफायर से दिखा देता हूँ। ये जो सेंड का देख रहे हैं, सेंड बटन, इस पर क्लिक कीजिए सेंड। अब यहां देखिए सेंडिंग मैसेज सेंड, ठीक है, व्यू। अब सेंड आइटम में जाके देख लीजिए, सेंड में जाएंगे, सेंड में जाने के बाद देखिए यहां पे एक लिखा है टू आईटी सेल, सिर्फ एक को मेल गया है, किसको गया है, itsale@gmail.com को, और ये बाकी तीन अटैचमेंट है यहाँ से कंफर्म कर लीजिए, एक वर्ड फाइल है, एक एक्सेल फाइल है और एक पीडीएफ फाइल है। तीन फाइल हमने भेजा था, इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, मार्क एज अनडिलीट कर सकते हैं और आर्चीव कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें कंफर्मेशन के लिए सेंड फाइल में जाके अब देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा मेल को ऐसे ही सेंड करते हैं, कंपोज में जाते हैं, कंपोज में जाने के बाद आप टू में अपना ईमेल डालिए, जिसको भेजना चाह रहे हैं उसका ईमेल, सब्जेक्ट लिखिए, बॉडी लिखिए और अटैचमेंट यहां जाके अटैच कीजिए फाइल और सेंड कर दीजिए। हार्डली इट विल टेक टू मिनट्स, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, दो मिनट से पहले आप ईमेल कर सकते हैं। तो किसी तरह का कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको उसमें सारे कन्फ्यूजन को मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसी सब चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को रैप करता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।